नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज आपके सामने फिर से एक मिरेकल रिजल्ट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। विष मुक्त खेती रोग मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पे एक चापला नगर करके गांव है जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पर हमारे अविनाश राठौड़ सर का खेत है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि अभी तक शायद किसी ने नहीं दिखाई होगी, या किसी भी दवाई के थ्रू या किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू या फर्टिलाइजर के थ्रू नहीं हुआ होगा। तो ध्यान रखिए मैं अभी क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर जब ये टोमेटो का प्लॉट है तो यहाँ से ये ड्रिप के थ्रू पानी छोड़ते हैं, पानी में हमारा जो विभाग मार्ट का किसान ग्रोथ है, किसान किंग है, डेवलपर है, वो उन्होंने ड्रिप के थ्रू छोड़ा था। अब क्या हुआ कि वो ड्रिप में से कुछ पानी यहाँ पर गिरा। ये देखिए यहाँ पर इनका पूरा ये गोबर है, यहाँ पर गाय का भैंस का जो भी रहता है वो गोबर यहाँ पर रखा हुआ था, और यहाँ पर जब ड्रिप से पानी दे रहे थे तो उस ड्रिप में से कुछ पानी लीकेज हुआ। अब पानी में क्या हुआ था कि हमारा किसान ग्रोथ, किसान किंग, डेवलपर वो भी था, वो पानी गिरने से ये यहाँ पर पूरा पानी गिरा हुआ था इसके ऊपर ये साइड में। अब यहाँ पे हम खोदते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपको पता है, यहाँ पर जो केंचुआ होता है, अर्थवाम होता है, गांडोल होता है, वो यहाँ पर है। यहाँ पे खोदने पर काफ़ी सारे अर्थवाम निकलेंगे। तो सर प्लीज़ अविनाश सर थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे किसान भाइयों को कि किस तरीके से काम हो रहा है। दोस्तों जो हमारा डेवलपर है, डेवलपर काफ़ी तरीके से जो मिट्टी होती है मिट्टी को काफ़ी अच्छा बनाता है, भुरभुरी बनाता है और काफ़ी उपजाऊ बनाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो केंचुए हैं वो काफ़ी सारे केंचुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिएगा एक एक करके हम यहाँ पर निकालते हैं तो काफ़ी सारे केंचुए इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अविनाश सर हमारे यहाँ पर एक एक करके केंचुए निकालते जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपर है, विवाह किसान का जो डेवलपर है, काफ़ी अच्छा रहता है और ज़मीन की जो सुपीकता है, जो उसका भारीपन है वो कम करता है और उसके अंदर आसानी से जो हवा है वो आ जा सकती है। तो इसकी वजह से इसकी केंचुओं की जो मात्रा है वो काफ़ी हो सकती है। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी फर्टिलाइजर से वो कहीं भी केंचुए को बढ़ाने में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर दवाई तो हमने दिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका कुछ पानी गिरा हुआ है यहाँ पर। तो जब ये ड्रिप से दे रहे थे अविनाश सर तो पानी यहाँ पर गिरा था, तो उसकी वजह से जो केंचुआ है वो इतना सारा हो चुका है यहाँ पे। आप देखिएगा इतनी सी जगह में कितने सारे केंचुए मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, और ये रियलिटी है दोस्तों, किसान भाइयों, ये रियलिटी है कि यहाँ पर काफ़ी सारे केंचुए निकले। अब आपको, आप सब किसान भाई हो, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जो केंचुए होते हैं, अर्थवाम होते हैं, जो गांडल होते हैं, वो ज़मीन के लिए कितना ज़रूरी है, इतना क्या काम करते हैं, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये किसान डेवलपर का कमाल है कि डेवलपर डालने के बाद में जो अपनी ज़मीन होती है, ज़मीन में काफ़ी अच्छे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो जनरेट होते हैं और केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसीलिए हम बोलते हैं कि विष मुक्त खेती रोग मुक्त भारत अभियान के तहत आप भी हमारे साथ आइए और अपनी जो ज़मीन है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ाइए और इसी तरीके से अपनी खेती के लिए काम में लाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय गोमाट। हर मातीच्या पोटात आसमानच बळ, माऊलीची लाज राखजी, या विनमिन त्या दिव्याला